Hello friends, welcome you all in my channel Knowledge in Bulk. So friends, in this video we will discuss what is bicameralism. Hope you will find this video useful. But before moving ahead, if you have not subscribed my channel till now, then please do subscribe it for more related videos. Let's begin. सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देखते हैं वर्ल्ड में टू टाइप्स के लेजिस्लेटिव सिस्टम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं. एक को हम कहते हैं बाइकैमरलिज्म और दूसरे को हम कहते हैं यूनिकैमरलिज्म. इस वीडियो में हम बाइकैमरलिज्म को डिस्कस करेंगे. सो बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है दो सदनीय व्यवस्था, यानी कि ऐसे देश जहाँ पर लेजिस्लेटिव टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, जहाँ पे लेजिस्लेचर के दो हाउसेज होते हैं, उस सिस्टम को हम बाइकैमरलिज्म कहते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर जो लेजिस्लेचर है वो टू हाउसेज में डिवाइड है. दो सदनीय व्यवस्था हमें इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलती है, जैसे कि लोअर हाउस यानी कि लोकसभा एंड अपर हाउस यानी कि राज्यसभा. इसी प्रकार से अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो वहाँ पर भी हमें टू हाउसेस सिस्टम देखने के लिए मिलता है. वहाँ पर लोअर हाउस को कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड अपर हाउस को कहा जाता है सीनेट. अगर इसी क्रम में हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि यूके में भी सेम टू हाउसेस सिस्टम ही देखने के लिए मिलता है. वहाँ पर जो हाउस ऑफ कॉमन है वो लोअर हाउस है एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स को अपर हाउस के नाम से हम देखते हैं. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे बाइकैमरलिज्म सिस्टम के. दूसरी तरफ आता है यूनिकैमरलिज्म सिस्टम. बट आज के वीडियो में बस इतना ही. यूनिकैमरलिज्म को हम किसी और दिन किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कॉमेंट बिलो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स.